तो जनता को त्वरित एवं समयबद्ध तरीके से न्याय प्राप्त हो सके, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था मिल सके, पारदर्शी शासन की व्यवस्था वह केवल भाषणों का मुद्दा न बने बल्कि व्यवहारिक धरातल पर भी उसे हम सब देख सकें, इन सब के लिए टेक्नोलॉजी आज के परिप्रेक्ष्य में कार्य के त्वरित निस्तारण को लेकर के, भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने को लेकर और समयबद्ध तरीके से मेरिट के आधार पर किसी भी कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण करने की दृष्टि भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूचना का अधिकार 2005 इसी उद्देश्य से देश के अंदर लागू किया गया था कि कोई भी व्यक्ति शासन से संबंधित किसी भी कार्य को अपने उस अधिकार का सही उपयोग करते हुए शासन से जानकारी हासिल कर सके। अक्सर होता है हम घोषणाएं बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन सामान्य जीवन में हमें देखने को क्या मिलता है। एक मामले को कोई व्यक्ति निस्तारित करने के लिए भेजता है या शासन में या किसी भी संस्थान में, तो वर्षों वर्षों उन कार्य को वहां पे लगता है। मैं अक्सर शासन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों की बातों को देखता हूं कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम किसी नागरिक के जीवन में कितना आसान और सुगमतापूर्ण तरीके से उसके जीवन को हम एक नई राह दिखा सकते हैं। ये मुझे अक्सर शासन के विभिन्न कार्यों में देखने को मिलता है। आप पहले देखते रहे होंगे राजस्व से जुड़े हुए मामले, कितना देर होता था वरासत के मामले, पिता के बाद उसके पुत्र को वरासत स्वतः स्फूर्त भाव के साथ एक ऑटो मोड में होना चाहिए, लेकिन वह कुछ चंद कार्मिकों और अधिकारियों के अकर्मण्यता और उनके अनिर्णय के कारण वर्षों वर्षों फंसा रहता है और फिर वर्षों वर्षों फंसने का मतलब उसमें नए विवाद खड़े होते हैं, नए लोग दावेदार खड़े होते हैं और छोटे से यानी जो छोटी सी समस्या, छोटी कोई समस्या नहीं थी, एक हक था, एक अधिकार था, उस अधिकार में नए दावेदारों का आने का मतलब एक नया विवाद खड़ा होना और फिर वहीं से कानून व्यवस्था के लिए एक नया संकट भी खड़ा होता है। वरासत से जुड़े हुए मामले हो, पैमाइश से जुड़े हुए मामले हो, नामांतरण से जुड़े हुए मामले हो, ये स्वतः स्फूर्त भाव के साथ होने चाहिए। मुझे याद है जब 2017 में मैं आया था, मैंने इसी बात को पूछा था, मैं राजस्व विभाग की समीक्षा कर रहा था, मैंने इसी बात को लेकर पूछा था। मैंने कहा कि बताओ मुझे कि ये 12 लाख से अधिक मामले क्यों पेंडिंग पड़े हुए हैं वरासत से जुड़े हुए, पैमाइश में उससे ज्यादा मामले पेंडिंग थे, आखिर क्यों नहीं हम इसका समाधान करते हैं और कितने दिन होने चाहिए? 45 दिन के अंदर समस्या का समाधान होना है तो 45 दिन तक सभी लोग इंतजार करेंगे और फिर 45 दिन से उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, फिर वर्षों लग जाएंगे। शासन की मंशा स्पष्ट थी कि 45 दिन के अंदर उस समस्या का समाधान होना है, न कि 45 दिन से कार्रवाई प्रारंभ होनी है। लेकिन जब कोई जवाबदेही नहीं होती है तो 45वें दिन से वह कार्रवाई प्रारंभ होती है और फिर 45 वर्ष लग जाते हैं। और जब हम लोगों ने मिशन मोड पर कार्यक्रमों को किया, अगले 2 महीने के अंदर लाखों मामले स्वतः स्फूर्त भाव के साथ निस्तारित होते हुए दिखाई और फिर यहीं से हम लोगों ने शुरू किया था जन सुनवाई पोर्टल, IGRS पोर्टल का।
फिर आईजीआरएस पोर्टल में भी बहुत सारे लोग गांव में ऐसे थे जिनके पास उस समय स्मार्टफोन नहीं थे, या जो लोग उस पोर्टल के माध्यम से अपनी समस्या को नहीं शासन तक पहुंचा सकते थे, क्योंकि हर व्यक्ति जनता दर्शन में आए, हर व्यक्ति अपना एप्लीकेशन लेकर के यहां तक पहुंच जाए, हर व्यक्ति ईमेल कर ले, हम उसको उसके पास जो मौजूदा तंत्र है उस तंत्र का उपयोग करने का एक अधिकार दे सके। तो हमने आईजीआरएस की अपनी पद्धति विकसित की जो अपने सिस्टम से, अपने स्मार्टफोन से एक शिकायत दर्ज कर सके, बता सके, और फिर सिस्टम इस बात के साथ जोड़ा गया कि वह इस बात को जवाबदेह बने कि आखिर कहां से इस समस्या का समाधान होना है। फिर लगा कि बहुत सारे लोगों को इसमें भी काम करने में दिक्कत होती है, तो हमने एक सीएम हेल्पलाइन 1076 जारी की। सीएम हेल्पलाइन जारी करते समय जब लोग आए तो उन्होंने कहा कैसे होगा, मैंने कहा इसका उद्देश्य एक ही है, शिकायतकर्ता की संतुष्टि। आप तब तक मामले का निस्तारण नहीं लिख सकते जब तक कि शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है। हाँ, हमें मेरिट जरूर तय करनी है कि उसकी शिकायत अगर सही है तो समस्या का समाधान होना चाहिए और उसमें शिकायतकर्ता की संतुष्टि होनी चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे कि पहले वर्ष ही 2017-18 में हम लोगों ने 22 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण केवल इन दो प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया। 22 लाख से अधिक मामलों पब्लिक के संतुष्टि का लेवल जब बढ़ता है तो यही ईज ऑफ लिविंग होता है। ईज ऑफ लिविंग का रास्ता यहीं से प्रारंभ होता है। एक बिजनेसमैन और एक व्यवसायी का जब संतुष्टि का लेवल बढ़ता है तो यही आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कार्य पद्धति को गुणवत्तापूर्ण तरीके से एक मेरिट के आधार पर आगे बढ़ाने का कार्य करता है, और यह हमें जीवन के हर एक फील्ड में दिखा के करना होगा। टेक्नोलॉजी मौजूद है, उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अगर हम कार्य करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसके परिणाम भी हमारे सामने आएंगे, और इसमें हम दोनों चीजें कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर को हम इस तरीके से तैयार कर सकते हैं कि जो पेशेवर लोग हैं जो केवल दूसरों को परेशान करने के लिए किसी कानून का दुरुपयोग करते हैं उन पे भी लगाम लगाया जा सकता है, लेकिन एक जरूरतमंद को समयबद्ध तरीके से, पारदर्शी तरीके से उसका अधिकार दिलाने में भी हम अपना योगदान दे सकते हैं, और ये बहुत आसानी से हो सकता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर खाद्यान्न घोटाले चलते थे, बड़े बड़े खाद्यान्न घोटाला होता था, जिले के जिला गरीबों का खाद्यान्न उठा दिया जाता था। मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री बना था उससे 3 महीने पहले मुझे कुछ जनपदों का दौरा करना पड़ा था एक सांसद के रूप में, क्योंकि वहां पे भूख से मौतें हुई थी। और मुझे याद है जब मैं चुनाव के दौरान मैं दिल्ली से एक इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट से आ रहा था तो मेरे बगल में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन प्रमुख सचिव खाद्य मेरे साथी बैठे हुए थे, कोई परिचय नहीं था लेकिन उन्होंने मुझे परिचय दिया, अपना विषय कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में खाद्य का प्रमुख सचिव हूं। तो मैंने कहा राशन की व्यवस्था को आप ही देखते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आप ही देखते हैं, उन्होंने कहा। मैंने कहा ये भूख से मौतें फिर क्यों हो रही? उन्होंने कहा नहीं कोई मौतें नहीं हो रही। मैंने कहा देखो 2-3 जनपदों में तो मैं स्वयं होकर के आया। खैर उन्होंने नकार दिया तो मैं बाकी कुछ पूछ भी नहीं सकता था। खैर उसके एक सप्ताह के बाद ही मैं ही मुख्यमंत्री बना तो मैंने उनको फिर बुलाया। मैंने कहा उस दिन फ्लाइट में हम दोनों साथी थे ना, उन्होंने कहा कि चुपचाप थे। मैंने कहा बताओ भूख से मौतें हुई हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैं उन जनपदों का दौरा किया हूं, परिवारों से मैं मिला हूं, ये भूख से मौतें क्यों? सरकार के पास खाद्यान्न है, सरकार ने पर्याप्त मात्रा में राशन कार्ड जारी किए हैं। तो मैंने उसी दिन हर जनपद की टीम बनाई थी, 80,000 राशन जो हमारे पास फेयर प्राइस शॉप से 80,000 से अधिक है, और मैंने कहा एक साथ 80,000 राशन की दुकानों में छापेमारी होगी।
एक साथ हमने एक दिन में सभी दुकानों में एक साथ छापेमारी की थी। 30 लाख फेक राशन कार्ड हमें प्राप्त हुए थे, जिनके नाम पे राशन निकलता था लेकिन किसी जरूरतमंद को राशन नहीं मिलता था। तो ये हमारे पास एक रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्ड होने के बाद फिर हमने कहा कि अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सेल मशीन लगाएंगे, ई पॉस मशीन लगाएंगे। इस मशीन के द्वारा हमारा सॉफ्टवेयर हमें हमारे डैशबोर्ड में बता देगा कि किस राशन की दुकान में मशीन के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, कहां घटतौली हो रही है, कहां मशीन को बाहर ले जाया जा रहा है और लोगों ने पहले थोड़ा दिखाने का प्रयास किया कि साहब ये अन्याय है, बड़े बड़े लोग इसमें कूदे। हमने कहा अन्याय ये नहीं, अन्याय वो था जो किसी गरीब के हक पे टाका डालता था। 30 लाख फेक राशन कार्ड उसके प्रमाण। दोनों कार्यक्रम एक साथ चलाए, एक तरफ मशीन लगानी शुरू की और दूसरी तरफ जरूरतमंदों को राशन कार्ड भी उपलब्ध करवाए गए। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देश के अंदर सबसे उत्कृष्ट पूरी का है। आज के दिन में मैं कह सकता हूं कि 96% से लेकर 98% लोग उत्तर प्रदेश की फेयर प्राइस शॉप में अपना खाद्यान्न प्राप्त करते हैं, बिना किसी घटतौली के, बिना किसी देरी के उन्हें यह प्राप्त होता है और इसका हमें भी लाभ हुआ। राज्य सरकार को 1200 करोड़ रुपए की सालाना बचत भी हुई। यानी यह राशन, क्योंकि मार्केट में जो दाम होता है उसकी तुलना में हम बहुत सस्ते दाम पर देते हैं और अब तो फ्री दे रहे हैं। ये जो बीच का पैसा था ये सरकार देती थी, लेकिन उतनी जब हमारी बचत हुई तो उतनी बचत से हम अन्य वेलफेयर की स्कीम को निकाल करके लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं। और अब हम लोगों ने फेयर प्राइस शॉप को भी मॉडल फेयर प्राइस शॉप बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया और ये हर एक फील्ड में क्या टेक्नोलॉजी जीवन में परिवर्तन लाने का माध्यम बन सकती है, बहुत सशक्त माध्यम बन सकती है। लेकिन हमें इसका उपयोग करना होगा, दुरुपयोग करने वालों को भी रोकना पड़ेगा। पब्लिक के मन में विश्वास आएगा, सूचना का अधिकार कानून उसी का एक सशक्त माध्यम है। सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप अब किसी को फिजिकली आने की आवश्यकता नहीं होगी, वे एक जगह बैठ करके अपना आवेदन भी कर सकते हैं, आवेदन के स्टेटस को भी समझ सकते हैं और फिर उसके निस्तारण और आगे के कार्यक्रम को भी समयबद्ध तरीके से निस्तारित होते हुए देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सूचना आयोग के गठन होने के बाद मुझे प्रसन्नता है कि गत 3 वर्ष में जिस तेजी के साथ मामलों का निस्तारण हुआ है, 1,10,000 से अधिक मामलों का निस्तारण हुआ है, 50,000 मामले पहले से पेंडिंग थे, 85,000 नए मामले आए और मैं इस बात को कह सकता हूं कि सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम करते हुए अगर टीम वर्क के साथ इन सभी मामलों का निस्तारण होगा तो आने वाले समय में हम इसको 0 पेंडेंसी तक पहुंचाने में हमें मदद मिलेगी। और वास्तव में यही इस कानून का सचमुच यही कानून की उपयोगिता है और यही एक नागरिक के अधिकार भी है जो लोकतंत्र में एक सामान्य नागरिक को प्राप्त होने ही चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना आयोग आज अपना स्वयं का नवीन सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य सूचना आयोग है। मैं इसके लिए मुख्य सूचना आयुक्त श्री भवेश कुमार सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। और हम इस बात को मानते हैं कि ई फाइलिंग आज की आवश्यकता है, ये बाबू लोग होने नहीं देंगे, क्योंकि उनके मार्ग में सबसे बड़ा बैरियर है ये, क्योंकि वे
इन्हीं चीजों का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन हमें सख्ती के साथ उसमें बढ़ना ही पड़ेगा, तभी एक सामान्य नागरिक का लोकतंत्र में विश्वास मजबूत होगा, कानून के राज में उसका विश्वास मजबूत होगा और वह व्यवस्था पर मजबूती के साथ विश्वास करते हुए भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान दे पाएगा और साथ हमें इस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जीवन में व्यापक परिवर्तन का माध्यम बन सकता है और यही है रामराज्य की अवधारणा। 22 जनवरी को आपके लिए आरंभ है। आप सबको इस अवसर पर एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री जगदीश प्रसाद, सचिव उत्तर प्रदेश सूचना आयोग।